हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको मटर टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मेरे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक कप मटर के दाने लिए हैं, ये 100 ग्राम के करीब है। ये ताज़ी मटर के दाने लिए हैं मैंने। और मटर को सब्जी की बनाने के लिए मैंने एक मिर्चा हरी कटी हुई ली है, 1.5 चम्मच अदरक घिसा हुआ लिया, 3 कलियाँ लहसुन की काट के रख ली हैं और 1 चम्मच जीरा और हींग के, मैंने ये इस तरीके की हींग के 2 टुकड़े ले लिए हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने पीस करके सब्जी बनाऊंगी, इसलिए मैंने पहले से ही पीस करके तैयार कर लिया है। और इसमें मैं जो मसाले डालूंगी, इसके अलावा मैंने आवश्यकता अनुसार रिफाइंड लिया है। अब मैं सब्जी की तैयारी पर चलती हूँ आगे की नेक्स्ट प्रोसेस पर। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दीजिए, ये मेरी गर्म हो गई है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड भी देखिए मेरा गर्म हो गया है, फ्लेम मेरी अभी थोड़ी तेज़ है। इसे मैं जीरा डाल दूंगी, लहसुन, हींग, अदरक, हरा मिर्च मैंने डाल दिया है। थोड़ा गैस फ्लेम कर दिए मैंने अपनी धीमी, थोड़ा सा बस फ्राई हो गया बस 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें मैंने कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। देखिए मेरा प्याज भुन चुका है, ये मैंने गैस की फ्लेम धीमी कर दी है थोड़ी, और ये स्पेस बीच में बनाते हुए मैं अपने सारे ये मसाले डाल दूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी, ये कसूर, पर इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, ये 1 चम्मच ली है। 1 चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, इसमें धनिया पहले से ही पड़ी हुई है, और 1 चम्मच मीट मसाला, और 1 चम्मच स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें थोड़ा, और इसको मिक्स कर देती हूँ मसालों को। फ्लेम तेज़ कर दी थोड़ी मैंने, 2 मिनट चलाने के बाद ये जो टमाटर पीस के रखे थे इसमें मैं डाल देती हूँ, और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भून लूँगी मैं टमाटर को 2 मिनट के लिए। जाड़े में मटर टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, ताज़े मटर आते हैं, ताज़े टमाटर, इसमें लाल टमाटर डालिए, कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर आप देसी टमाटर यूज़ कर रही हैं तो वो थोड़ा खट्टे होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सब्ज़ी में टमाटर की क्वांटिटी कम कर सकती हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें अपनी ये मटर भी डाल देती हूँ। ये मटर बिल्कुल बॉयल नहीं है, ताज़ी मटर है, बस इसको मैंने भी पहले से ही इसमें बॉयल नहीं किया हुआ है, इसमें मिला दी है। थोड़ी देर के चलाने के बाद मैं इसको 10 मिनट ढक दूँगी। अब इसमें लिक्विड है मटर पकने के लिए, इसलिए मैं इसमें भी पानी नहीं डाल रही हूँ। 10 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ, फ्लेम मीडियम कर देती हूँ अपनी, 10 मिनट के लिए ढक दूंगी इसको। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में एक बार और अपनी ढक्कन हटा करके सब्जी चला दी थी। मटर लगभग आधे पक चुके हैं, मसाला भुन गया है पूरी तरीके से। इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया पहले से डाल दूंगी एक बार बीच में, और ये जो मैंने ये पानी टमाटर थोड़ा सा बचा था उसमें मैंने ये पानी मिला करके इसका लिक्विड कर दिया है। ये 1/2 कप के करीब पानी है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको सब्जी पतली रखनी है तो आप इसमें थोड़ा पानी और बढ़ा लीजिए, अगर गाढ़ी खानी हो तो 1 कप पानी इसमें सफिशियंट है। मैं इसको चला करके फिर धीमी फ्लेम पर मैं इसको कम से कम 10 मिनट और पका लूँगी, जिससे मटर पूरी तरीके से गल जाएगी। इसको मैं ढक देती हूँ। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मेरी मटर पूरी तरह से पक गई है, सब्जी भी पूरी तैयार है। अगर आप इसको लिक्विड बनाना चाहती हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से 1/2 कप 1 कप पानी डाल करके इसको लिक्विड कर सकती हैं। और मैंने तो ये सब्जी कढ़ाई में बनाई है, आप कुकर में भी बना सकती हैं। कुकर में आप सारी चीज़ें डाल करके 1 सीटी दे दीजिए तो आपकी मटर 1 सीटी में पक जाएगी और आपकी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। बढ़िया से फ्लेवर आ गया है सब्जी में। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको बोल में निकाल के सर्व करती हूँ।
कि मेरी मटर टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी तैयार है। इसको मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। कितनी सुंदर लग रही है। आप झटपट ये सब्जी तैयार करिए अपने घर में। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट अगर आप कुकर में बनाएंगी तो और जल्दी सब्जी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर जरूर करिए, और मेरी जो आप कमेंट्स में आप हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, जरूर शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।